अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवरी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की फदरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे आयुर्वेदिक विद्या विशारद बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। अयोध्या में आज तारीख 22 जनवरी 2024 सोमवार के रोज अयोध्या में प्रभु रामचंद्र इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसी सम्मेलन को लेकर समूचे देश में बड़े उत्साह मनाया जा रहा है। उसी उत्साह को लेकर परभणी शहर के पूर्व महापौर प्रताप भैया देशमुख इनके मार्गदर्शन में माली गली से शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा को परभणी शहर के माली गली, नारायण चाल, गांधी पार्क, इस मार्ग से होते हुए प्रभु राम, लक्ष्मण, सीता माता और हनुमान इनके स्वरूप के साथ निकाली गई और इसमें भजनी मंडली के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसके बाद ये रैली वापस माली गली स्थित विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर पहुंचा, जिसके बाद हनुमान चालीसा पाठ किया गया और आरती की गई। इस मौके पर आए राम भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया। ये सब कार्यक्रम प्रताप भैया देशमुख इनके मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ। इंदौर तालुके के मांडा गांव से 2 स्कूली छात्राओं के गायब होने की घटना सामने आई है और इस घटना से गांव और आसपास के इलाके में डर का माहौल बन गया है। गांव के 2 बच्चे कृष्णा गायकवाड़ और जीवन लिंबालकर गायब हो गए हैं। इस दोनों के लापता होने की और किसी ने तो भी अज्ञात लोगों ने इन्हें उठाकर ले जाने की ऐसी शक पर फिरियाद दाखिल की गई है। ये दोनों बच्चे उम्र 14 से 15 साल के बीच के है और उनके लापता होने से गांव और इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। इससे पहले भी परभणी शहर एवं जिले से कई बच्चे लापता हो चुके थे। इन छोटे छोटे बच्चे उर्स के दौरान, संदल के दौरान ये गायब होने की घटनाएं बढ़ती जाती है। इससे पहले भी साकलावाद फ्लाट, दरगाह रोड, अन्य इलाकों से परभणी शहर के कई बच्चे गायब हो चुके थे। उसे यहाँ के कर्तव्याध्यक्ष SP राख सुधार मैडम, इन्होंने अपने सतर्कता से और अपने पुलिस यंत्रणा को लागू करते हुए इन बच्चों को उनके माता पिता तक सुपुर्द किया है। इन बच्चों की अब ये बच्चे भी माता पिता के पास सुपुर्द होंगे क्या, ऐसा प्रश्न निर्माण हो रहा है और आने वाले दिनों में उत्सव को देखते हुए अपने माता पिता अपने बच्चों को सही तरीके से संभाले और आने वाले नए अजनबी लोगों से उनसे सतर्क रहे, ऐसा आह्वान किया जा रहा है। जीवन बरोबर, मित्रा बरोबर खेळायला गेला तसा वापस आलाच नाही। पोलीस वाल्यांना कोशिश करा तेवढा आमचा मुलगा आणून द्यावा। मधुकर श्रीरंग गायकवाड, मांडवा येथील माझा मुलगा कृष्णा मधुकर गायकवाड व त्यांचा मित्र जीवन अंबादास लिंबाळकर हे दिनांक 11:22 घरातून न सांगता निघून गेले आहेत। तरी त्यांचा बऱ्याच शोध करून ते सापडले नाहीत। जरी कोणाला सापडल्यास जिंतूर तालुका जिल्हा परभणी येथील पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधावा, ही नम्र विनंती। परभणी के औषधि भवन यहाँ पर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न पदों के लिए चुनाव और सर्वसाधारण सभा संपन्न हुई। 21 जनवरी रविवार के रोज परभणी शहर के औषधि भवन यहाँ पर परभणी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अंतर्गत कार्यरत परभणी शहर पूर्व और पश्चिम जोन और उसी तरह ग्रामीण जोन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, संगठक, सहसचिव, कार्यकारिणी सदस्य, इन पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया आज शहर के औषधि भवन यहां पर शांतता के साथ संपन्न हुई। परभणी जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संजय मंत्री, सूर्यकांत हाके, इनकी उपस्थिति में संगठना के सर्वसाधारण सभा ली गई। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अंतर्गत कार्यरत विविध पदों के लिए हुए चुनाव की विजय पदाधिकारी को परभणी जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संजय मंत्री, सूर्यकांत हाके, इन्होंने सत्कार किया। इस समय नए निर्वाचित पदाधिकारियों को जिला अध्यक्ष संजय मंत्री इन्होंने अभिनंदन करते हुए चुनाव प्रक्रिया और सर्वसाधारण सभा खेली मेली यानी कि खुशहाली के माहौल में होने पर उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया। आज हुए चुनाव प्रक्रिया को कामयाब करने में चुनाव अधिकारी अनिल हराल, दशरथ शिंदे, प्रदीप गुंडाले, नंदू भरण, अब्दुल मजहर, इन्होंने हुए चुनाव को और सर्वसाधारण सभा को अच्छा अंजाम देने पर जिला अध्यक्ष संजय भाव मंत्री इनके हाथों और सूर्यकांत हाके इनके हाथों, इसके अलावा पदाधिकारियों के हाथों सत्कार किया गया। इस समय परभणी जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्य बड़ी संख्या में हाजिर थे। आज परभणी तालुका निवडणुका झाल्या,
निवडणुका ही एक प्रक्रिया असते। जिल्ह्यामध्ये 1900 आणि परभणी तालुक्यामध्ये 950 केमिस्ट आहेत। या 950 केमिस्टापर्यंत संघटनेचं कार्य त्यांच्यापर्यंत पोहोचावं, त्यांच्या समस्या आणि त्यांच्या येणाऱ्या आव्हानांना मात करण्यासाठी एक चांगली टीम तयार करण्याचा मानस आहे। आज ह्या निवडणूक माध्यमाने आमची 21 लोकांची टीम तयार झाली। त्याचे आम्ही 3 भाग केले, ग्रामीण, पश्चिम परभणी, पूर्व परभणी। त्या तिघी विभागाच्या आज निवडणुका झाल्या, खेळीमिळीच्या वातावरणामध्ये संपन्न झाल्या। सगळ्या सभासदांनी याचा सहभाग नोंदवून आज एक नवीन टीम तयार केली। येणाऱ्या आगामी काळामध्ये आम्ही सर्व मिळून काम करू आणि सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दिगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू, बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे, पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए, चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी, 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। सोनपेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 3,27,00,000 का गबन, वित्तीय हेराफेरी के मामले में सोनपेट पुलिस थाने में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। परवनी जिला स्थित सोनपेट शहर में 19 जनवरी को सोनपेट थाने में 7 लोगों के खिलाफ रुपयों की आर्थिक हेराफेरी के मामले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। गबन की ये घटना 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच हुई थी। अकाउंटेंट योगेश मंधाना ने शिकायत दर्ज कराई है। सोनपेट नागरी सहकारी बैंक में सीए ऑडिट करते समय पता चला कि बैंक के कर्मचारियों ने गबन और धोखाधड़ी की है। वादी ने देवेंद्र जैन के साथ खातों का ऑडिट किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की। सोनपेट शहर सहकारी बैंक शाखा सोनपेट में 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच संबंधित व्यक्तियों की मिलीभगत से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बैंक में अपने लाभ के लिए गलत प्रविष्टियां की गई, राशि का दुरुपयोग किया गया। मूलधन, ब्याज और अन्य रकम मिलाकर 3,27,98,259 रुपयों का गबन किया गया। इस मामले में नंद किशोर पुरुषोत्तम गौड़, दीपक पांडुरंग अपेट, कल्याण बाला साहेब पांडुरे, विनाश लहू साड़वे, ज्ञानेश्वर राजाजी सुरो से, विलास पंडित राव सुरवा से, महादेव सोमनाथ स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आगे की जाँच PI सुनील अंधारे कर रहे हैं। रास्ता पार करते समय टू व्हीलर के सामने हरण आ जाने के कारण टू व्हीलर सवार की उस हरण से टक्कर हो गई। इस एक्सीडेंट में दोनों जख्मी होते हुए हरण जगहों पर ही मौत हो जाने की घटना हुई है। इसी दरमियान जख्मी हुए टू व्हीलर सवार को निजी अस्पताल में ले जाकर शरीक किया गया, वहां से इलाज के लिए परभनी लाया गया, लेकिन आज तारीख 22 जनवरी 2023 सोमवार के रोज इस जख्मी टू व्हीलर सवार की मौत हो गई। ये घटना पाथरी तहसील के गुंज लोनी रास्ते पर 21 जनवरी 2024 रविवार के रोज शाम 5 बजे के दरमियान हुई थी। इस एक्सीडेंट के बारे में मिली जानकारी यह है कि पाथरी तहसील के गुंज स्थित कैलाश गुलाब बुचारे, उम्र 40 साल, ये 21 जनवरी 2024 के रोज शाम 5 बजे के दरमियान कुछ काम के लिए गुंज यहां से बाबड़गांव फाटे की ओर जा रहे थे। गुंज से कुछ 1.5 किलोमीटर दूरी पर टू व्हीलर सवार एक खेत से आते हुए हरण के टकराए, इसमें हरण की जगह पर ही मौत हो गई। तो टू व्हीलर सवार कैलाश लुचारे ये बुरी तरह से जख्मी हुए। इस घटना की जानकारी मिलते ही रास्ते से जाने वाले आवाजाही करने वाले नागरिकों ने इस बात को लेकर जख्मी को उनके परिवार को बताते हुए जख्मी को पाथरी के खानगी अस्पताल में दाखिल किया। आगे के इलाज के लिए उन्हें परभनी के खानगी अस्पताल में लाया गया, लेकिन आज 22 जनवरी 2024 सोमवार के रोज इलाज के दरमियान उनकी मौत हुई है। इस मामले को लेकर, इस घटना को लेकर फॉरेस्ट विभाग अभी तक भी चुप्पी साधा हुआ है। इस बात को लेकर नागरिकों में एक रोष का माहौल दिखाई दे रहा है। रेलवे के विविध नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तारीख 20 जनवरी 2024 शनिवार के रोज परवनी रेलवे स्टेशन पर जांच की गई और रेलवे कैंप कोर्ट द्वारा लोह मार्ग के प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी श्रीमती ए मोताड़े, इनके कोर्ट ने जुर्माना लगाया है।
विविध दोषियों की ओर 2,44,700 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। परभनी के रेलवे स्टेशन पर कई बार यात्री अपने नियमों का उल्लंघन करते नजर आते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई नहीं होने के कारण उनका मनोबल बढ़ता जाता है। लेकिन शनिवार 20 जनवरी के रोज रेलवे स्टेशन पर विशेष कैंप कोड लिया गया। इस समय लाइन क्रॉस करना, नो पार्किंग, अवैध खाद्य पदार्थ बिक्री करने के, उसी तरह से रेलवे में अन्य नियमों का उल्लंघन और पुराने जुर्माने वसूल करने के लिए जुर्मानात्मक कार्रवाई की गई। इसमें कुल 240 एनसी केसेस निकाले गए हैं, जिसमें आरपीएफ परभनी विभाग के 175 एनसी केसेस निकाले गए हैं। इस समय प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी श्रीमती ए मोटाड़े, इन्होंने 2,44,700 रुपयों का जुर्माना वसूल किया है। इस समय आरपीएफ विभाग के अधिकारी एस बी कामड़े, पीआई एस बी कामड़े, पीएसआई विजय वाघ, एपीआई एस के सानप सुरवाड़े, शेख जावेद, पद्माकर मोगरे, अविनाश पाटिल, आरती वटाने, वीपी सिंह, रानचोर सिंह, यूके मीना और बी रवि महेंद्र चौहान, वीजी गायकवाड़, औरंगाबाद स्थित कर्मचारी एस एस पवार, कृष्णा गंडे, प्रशांत दवे आदि की समय हाजिरी रही। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासी, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आंख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर जनपद, बलरामपुर यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9793041936, 9175546259। राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक रहे परभनी के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, इनके उर्स 1 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के दरमियान मनाया जा रहा है। उसी को लेकर आज विविध विभाग के कार्रवाइयों के कामों की जिम्मेदारी और उसके बारे में नियोजन करने के लिए 22 जनवरी 2024 के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक ली गई। इस बैठक में संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी हाजिर थे। बैठक में राज्यसभा सदस्य एवं वक्फ बोर्ड के सदस्य डॉक्टर फौजिया खान, इनकी उपस्थिति रही। इस बैठक में जिले के कर्तव्यक्ष एसपी राग सुधार मैडम, एडिशनल एसपी यशवंत काले, महानगर पालिका के आयुक्त तृप्ति साणभोर, निवासी उपजिलाधिकारी शेवाड़े, वक्फ मंडल के प्रतिनिधि मुशीर अहमद, विभागीय वक्फ अधिकारी खुसरो खान, वक्फ जिलाधिकारी अमीनुज्जमा ये हाजिर थे। इनके अलावा पुलिस विभाग के अधिकारी और महाराष्ट्र राज्य महावितरण के और फायर ब्रिगेड, सार्वजनिक बांधकाम पीडब्ल्यूडी विभाग के, शराबबंदी विभाग के और उसी तरह से महसूल विभाग के अधिकारी भी हाजिर थे। इस बैठक में इस साल तुराबुल हक उर्स के लिए जो नियोजन किया गया है उसके लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी और ऐसा प्रस्ताव रखा गया, और शुरू में तुराबुल हक उनके उर्स को लेकर तैयारियों के नुमाइश के शोलैंड और इसके जगह के बारे में दावा देने के लिए मुद्दा उपस्थित किया गया। इस समय मामले को लेकर वक्फ मंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्होंने 19 जनवरी 2024 को निकाले गए पत्रों के निर्णय के तहत उसका ताबा दिया गया है। इसको ऐसा बताया गया, इस समय उर्स में सभी दुकानों में सुरक्षितता के तौर पर उसके दृष्टिकोण से प्रतिबंधक उपाय योजना रखे जाएंगे। हॉकर्स ने हर रास्ते पर फिरना नहीं चाहिए, इसकी व्यवस्था करें। फायर ब्रिगेड की या गाड़ियों को फिरने के लिए अंदर बड़े रास्ते निर्माण करें। सीसीटीवी, नाइट विजन के लिए अच्छी प्रकार की सेवा उपलब्ध कराए। पशु संवर्धन और वैद्यकीय अधिकारियों की ओर से उर्स के संदल के दौरान आने वाले ऊँटों की डॉक्टरी जांच की जाए। मीना बाजार में आयोजन किए गए उसके रिसर उसके पुरुष मंडली ना जाए, इसकी व्यवस्था करें। मेले में बजने वाले लाउड स्पीकर को रात में 10 बजे के बाद बंद रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें। उर्स के जगह पर स्वच्छता रखने के लिए महानगर पालिका व्यवस्था करे। वक्फ कार्यालय की ओर से कर्मचारी उर्स के लिए 24/7 उपलब्ध रहे। जिला कलेक्टर के सभी विभागों के जिन जिन को जिम्मेदारी गई है वो बिना किसी गलती के उन जगहों पर अपने कार्य को पूरा करने का अंजाम देते हुए नजर आए। ऐसी बात कहते हुए झूले दुकान के लिए और आग से बचने के लिए लेखा परीक्षण और उसी के साथ साथ उनके पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से प्रमाणिक प्रमाण पत्र लेकर आए, इस तरीके के आदेश दिए गए। नुमाइश में बाहर जाने के लिए और आने के लिए आपातकालीन रास्ता निर्माण किया जाए और विविध सूचनाएं दी गई।
इसी सभा में पिछले साल उर्स में पुलिस बंदोबस्त अच्छी तरह से रखने के कारण कर्तव्यदक्ष जिला एसपी राग सुधार मैडम इनका अभिनंदन करते हुए, इसके अलावा आज बैठक में सभी विभाग के अच्छी तरीके से कामकाज होने के लिए मंजूरी मिलने पर सभी का इस समय जिला अधिकारी इन्होंने समाधान व्यक्त किया। सभा के आखिर को 117वें उर्स के अवसर पर कैलेंडर का विमोचन किया गया, सभा की समाप्ति की गई। इस बैठक में सांसद डॉक्टर फौजिया खान इन्होंने शामिल होते हुए उर्स को अच्छी तरीके से किया जाएगा और राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक रहे हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके इस 117वें उर्स में अच्छे पैमाने पर काम और यहां के होने वाले इवेंट्स अच्छे किए जाएंगे, ऐसी गवाही दी गई है। अगर लीनियर होता है तो वो कर सकते हैं, फिर भी ट्राई करें। याचा खूप फायदा होतो बघा, आता आपल्याला ठीक आहे काही घटना घडू नये घडणार नाही असं आपण प्रिझ्युम करतो, पण जेव्हा काय असं घडतं त्यावेळेस या गोष्टीचा खूप फायदा होतो, हा सायंटिफिकली प्रूव्ह झालेला आहे। त्या कमिटीमध्ये मी आयोजन मेंबर आयोजला अध्यक्ष, तर माझी सूचना आहे जिथपर्यंत शक्य आहे तिथपर्यंत आपण फुटफॉल सिंगल डेला किती असतो, साधारण सिंगल डे फुटफॉल संध्याकाळी किती असतो? सिंगल पॉइंटला साधारण 25-30 हजार ठीक आहे। एक सजेशन मला वाटलं म्हणून दिलं, आपण आता प्रॅक्टिकली कसं एक्झिक्यूट करता येईल पाहूया। हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, आपके कमेंट्स आना और आपके लाइक आना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको न्यूज़ हमारे बेहतर से बेहतर आपको दे सके। इसके लिए हमारे पास से जो प्रकाशित किए जा रहे हैं उसके जो न्यूज़ है आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।